डिलीवरी कुरियर की ट्रैकिंग कैसे करें, साथ में डिलीवरी कुरियर की ऑनलाइन मोबाइल पे कैसे ट्रैकिंग करें, और साथ साथ में आपको नोटिफिकेशंस कैसे मिले कि कहाँ पे पहुँचा है, ये इस वीडियो के एंड तक आपको पता पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग, मार्केट प्लेस की सेलिंग, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इवन व्हाट्सएप पे कैसे सेल करने का, उसके टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, डेमोस, पॉलिसी चेंजेस, इवन न्यूज़ अपडेट्स, पॉलिसी चेंजेस, ये सब लेके आते हैं। साथ में ई कॉमर्स और पर्सनल कुरियर के लिए ट्यूटोरियल्स लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, बाजू में बेल नोटिफिकेशंस को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल से मिस ना कर सके। तो वीडियो के एंड तक आपको क्लियर, सिंपल, इफेक्टिव आइडिया मिल जाएगी कि किस तरह से डिलीवरी की, कुरियर की ट्रैकिंग की जाए सिंपल वे, बेसिक वे में। तो बीच में बने रहना, देखते रहना, बीच में स्टॉप नहीं दबाना। अगर स्टॉप दबा दिया तो मिस करोगे तो सीख नहीं सकोगे। सीखने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ सीखने को मिला तो नीचे लाइक बटन दबा देना। लाइक दबाने से इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचने की हेल्प होती है, और लाइक दबाने से वो काला थम्सअप का बटन है वो नीला हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा टारगेट है कम से कम 300 लाइक्स इस वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। स्वागत है आपका। अभी इस आपको स्पेसिफिकली डिलीवरी की ट्रैकिंग कैसे करेंगे, उसके में आपको डिलीवरी का जो खुद का वेब पेज है उस पे आके हम देख लेंगे कि कैसे ट्रैकिंग करेंगे। तो उसमें आपको जस्ट सिंपली delivery.com पे जाओगे, तो आपको मेन ऊपर के सेक्शन पे आपको मेन दिखेगा कि ट्रैक ऑर्डर। इसमें जो आपका AWB नंबर है वो आप ट्रैकिंग ID के सेक्शन में डालना। बाजू में ऑर्डर ID, LTL शिपमेंट, मोबाइल पे चेक मत करना, ट्रैकिंग ID पे ही चेक रहने देना। फिर उसमें आप AWB नंबर होता है ना, वो डाल देना, जिसके कहते हैं कंसाइनमेंट नंबर या AWB नंबर। तो उसको दबा के आप ट्रैक कर लोगे। ये एक सैम्पल ट्रैकिंग AWB नंबर है, तो इसमें दिखा रहा है पैकेज डिटेल्स नॉट विजिबल आफ्टर 1 वीक ऑफ डिलीवरी। लेकिन अगर आपका जो ऑर्डर आपका खुद का AWB नंबर है, तो इसमें आपको दिखाएगा कि कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ, कौन से ब्रांच पे है, कौन से नोड पे है, कौन से सेंटर पे है। उसके नीचे व्यू डिटेल्स मिलेगा, व्यू डिटेल्स में आप और भी डिटेल देख सकोगे कि एग्जैक्टली कौन से लोकेलिटी पे है और कभी तक डिलीवर हो जाएगा। तो वो सब आपको डिटेल दिखाएगा, तो उससे आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको डिलीवर के लिए, मेरा मतलब डिलीवरी के लिए रेडी रहना है, किसको बोल के रखने का है ताकि वो पार्सल रिटर्न नहीं हो जाए। इस तरह से आप डिलीवरी की ट्रैकिंग देखिए। अभी मैं आपको बोल रहा था कि आप किसी भी दूसरे के लिए क्या करोगे, उसमें आप आफ्टर शिप करके एक वेब पेज है उसमें चले जाइए। आफ्टर शिप में आपको डिलीवरी के साथ साथ दूसरे के भी सब की ट्रैकिंग मिल जाएगी। उसके मेन पेज पे आ जाते हैं, ऊपर के आइकन को क्लिक करके इसमें आप ट्रैकिंग नंबर डाल दीजिए। तो मैं सेम ट्रैकिंग नंबर डाल देता हूँ, वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। तो ऑटो डिटेक्ट कभी गलत नहीं होगा कि वो एक इंटरनेशनल है, ये वेब पेज है। तो इसमें आपको डिलीवरी स्पेसिफिक डालना पड़ेगा सर्च करके, डिलीवरी। तो उसके बाद आप ट्रैकिंग करोगे। तो जैसे मैंने कहा, ये सैंपल है, लेकिन उसमें भी आप ये ट्रैक करने के बाद आपको जो डिटेल्स मिलेंगे वो डिलीवरी के जैसे आपको डिटेल मिलेगा कि कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ पे रुका हुआ है, कहाँ पे डिले है, कभी तक पहुँचेगा। तो उसके मतलब आप प्लान कर सकोगे कि उसको रिसीव करने के लिए। मैं आपको कह रहा था शुरू में कि नोटिफिकेशन, उसके लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड पे आपको उसके मोबाइल ऐप का भी एक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस मोबाइल ऐप को आप डिलीवर डाउन में मतलब डाउनलोड कर दोगे, उसमें आप AWB नंबर डालोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। आप सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन कैसे के लिए लेना है, एक से डिलीवरी के लिए, या बीच में कहाँ पे पहुँचा, कौन से नोड पे पहुँचा, कौन से ब्रांच पे पहुँचा, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपको एग्जैक्टली मिलता पता पड़ेगा कि कहाँ तक पहुँचा या अंदाजन कभी तक पहुँच जाएगा, ताकि आप रेडी हो सके या किसको बोल सके कि वो पार्सल रिसीव करें अगर आप उस जगह पे अवेलेबल ना हो। तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको डिलीवरी के साथ दूसरे भी जो कूरियर सर्विस है उसके भी ना ही ट्रैकिंग मिल जाएंगे, लेकिन उसका मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल कुछ डिलीवरी की ट्रैक। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आपको पता पड़ा कि डिलीवरी या इवन दूसरे कुरियर्स की ट्रैकिंग विद नोटिफिकेशन कैसे कर सके। कुछ सीखने को मिला तो नीचे लाइक बटन दबा देना, ताकि दूसरों को भी ये वीडियो एक्सेसिबल हो सके, उनको भी हेल्प हो जाए। फिर आपके फ्रेंड्स जो ई कॉमर्स या पर्सनल कुरियर में डील करते हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, वो भी आपके शेयर से सीख कर खुश हो। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है वापस आपका। तो मैंने जैसे आपको कहा कि एक एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के लिए, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ना कि सिर्फ डिलीवरी के लिए, लेकिन दूसरे कुरियर के कि आपका
जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे पहुँचा है, कौन से नोड पे पहुँचा है और एग्जैक्टली कौन से स्टोरेज हाउस पे भी पहुँचा है वो भी आपको पता पड़ेगा। तो वो ऐप का नाम है, आपको सर्च करना है अपने एप्लीकेशन स्टोर में AFTERSHIP, उसको सर्च करोगे तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा आफ्टर शिप पैकेज ट्रैकर, एंड पब्लिशर का नाम है या डेवलपर का नाम है आफ्टर शिप लिमिटेड। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपको इंस्टॉल दबाना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड किया, इसके लिए मेरे को ओपन दबाना है। ओपन दबाने पे ये आपका मेन पेज खोलेगा एप्लीकेशन में, इसमें आपको नीचे प्लस साइन दबाने का है। इसमें आपको जो AWB नंबर होता है आपके कुरियर का, चाहे वो डिलीवरी का हो या दूसरे कुरियर का हो, तो उसको आपको यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को कॉपी करके पेस्ट करना है। नीचे कुरियर का नाम भी आपको सर्च करना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऐप है तो दूसरे कंट्रीज़ के कुरियर भी है। तो आपको जब स्पेसिफिक ऐप का कुरियर कंपनी का नाम डालोगे तभी आपको सही ट्रैकिंग मिलेगा। तो आपको इसमें से सर्च करना है, आपको फॉर एग्जांपल डिलीवरी में डाल देता हूँ, तो डिलीवरी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे दिखाता है सर्च रिजल्ट्स में डिलीवरी, उसको क्लिक कर देता हूँ। ऊपर ट्रैकिंग नंबर डाला, नीचे डिलीवरी डाला और टाइटल डाल सकोगे अपने याद करने के लिए, अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डाला तो भी ठीक है। उसके बाद नीचे ये आप ट्रैकिंग नंबर डाल दोगे, नीचे ऐड न्यू शिपमेंट का एनेबल ऑप्शन आ जाएगा, उसको दबा दोगे। वो दबाने के बाद आपकी शिपमेंट्स लिस्ट जो मेन पेज है ऐप का, उसमें ही आपको आपका एप्लीकेशन का लिस्ट, मेरा मतलब ट्रैकिंग का लिस्ट दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने ऐड किया हुआ है ये, तो इसको दबाएंगे तो इसमें स्टेटस दिखाएगा, जैसे कहाँ कहाँ पे पहुँचा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी, इसमें सी ऑल अपडेट्स को दिखाया, तो एक एक स्टोरेज हाउस में कहाँ पे पहुँचा, रिसीव डैट, डिस्पैच टू रिसीव डैट, दिस हब, वो हब, ऐसे अलग पिकअप फ्रॉम सेलर वो दिखाता है। और ये तो यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर दिखाता है, लेकिन जब भी आप एप्लीकेशन पे जो लेफ्ट के मेनू पे नोटिफिकेशंस को क्लिक करोगे तो इसमें जहाँ जहाँ पे पहुँचा है उसके लिए आप नोटिफिकेशंस को कॉन्फ़िगर या सेट करके रख सकते हो। तो एक बार आपने इसको एनेबल करके रखा है नोटिफिकेशंस को, तो उसके मुताबिक आपको जो आपके शिपमेंट्स है वो आपको नोटिफिकेशंस ना ही सिर्फ आप इधर देख सकोगे, लेकिन जब भी आप मोबाइल आपका एप्लीकेशन बंद रहेगा तो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आपको पता पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली पहुँचा है, कितने बजे आपको नोटिफिकेशन आए, तो आपको पता पड़ेगा कि अभी तक यहाँ पे पहुँचा है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर दबा देना, ताकि इस वीडियो को पहुँचने में हेल्प हो जाए और दूसरे लोगों को भी, जिसको ज़रूरत हो उनको भी हेल्प हो। और अपने दोस्त जो ई कॉमर्स या पर्सनल शिपमेंट के लिए कुरियर या कुरियर ट्रैकिंग की ज़रूरत हो उनको भी शेयर कर देना, ताकि उनको आपके शेयर से सीख के खुशी हो। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।